नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN एजुकेशन चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में हमने संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का अध्ययन किया। स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम आपकी जो संस्कृत की पाठ्यपुस्तक है रुचिरा, उसका चैप्टर 4 चतुर्थ है पाठ है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। चतुर्थ है पाठ है चौथा पाठ चैप्टर 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव का अर्थ होता है हमेशा, ऑलवेज। पुरतो का अर्थ होता है आगे। निधेहि का मीन्स होता है बच्चों रखो, और चरणम का अर्थ होता है कदम या पैर। तो इस पाठ का जो शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसका अर्थ हुआ बच्चों कि हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। ठीक है, तो बच्चों ये जो पाठ है वो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी द्वारा रचित प्रस्तुत गीत में जो चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है, इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस पाठ में जो गीत दिया गया है श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने, यानी कि जो पोयम दी गई है, उसका अर्थ समझने से पहले हम पेज नंबर 21 पर जो शब्दार्था हेडिंग से, मीनिंग से जो कठिन शब्द दिए गए हैं बच्चों, पहले हम उसका उन अर्थों को सीखेंगे बच्चों, उसके बाद हम चैप्टर में दिए गए गीत का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पेज नंबर 21 पर शब्दार्थः। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है बच्चों पुरतो, ब्रैकेट में लिखा है पुरतः, जो मूल शब्द है इसका वो है पुरतः, इसका अर्थ होता है बच्चों आगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों निधेहि का मीन्स होता है बच्चों रखो। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों गिरी शिखरे, तो इसमें दो शब्द है बच्चों गिरी और शिखर। ठीक है, तो गिरी पर्वत का पर्यायवाची है, तो गिरी मीन्स पर्वत, और शिखर मतलब जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है पर्वत का, पर्वत की सबसे ऊपर वाली चोटी, तो गिरी शिखरे का मीन्स होगा पर्वत की चोटी पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मीनिंग है निज निकेतनम, निज का अर्थ होता है बच्चों अपना, स्वयं का, खुद का। ठीक है, और निकेतनम मीन्स जो घर होता है, निकेतन घर निवास। ठीक है ना, तो निज निकेतनम का पूर्ण रूप से अर्थ होगा बच्चों अपना निवास, उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे निज निकेतनम। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों विनैव, तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा बच्चों, जो ब्रैकेट में लिखा है विना प्लस एव, विना मीन्स होता है बिना, और एव का अर्थ होता है ही, और विनैव का पूर्ण रूप से अर्थ होगा बच्चों बिना ही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम, यह बनेगा इसका संधि विच्छेद। नग प्लस आरोहणम पूर्ण रूप से मिलकर के बनेगा शब्द नगारोहणम। ठीक है, तो नग किसका पर्यायवाची है, नग पर्वत का पर्यायवाची है, और आरोहणम का अर्थ होता है आरोह करना, चढ़ना। ठीक है ना, तो नगारोहणम का पूर्ण रूप से
अर्थ होगा पर्वत पर चढ़ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है स्वकीयम। नेक्स्ट मीनिंग है स्वकीयम। स्वकीयम, स्व का अर्थ होता है अपना, खुद का। तो स्वकीयम मीन्स पूर्ण रूप से अर्थ बनेगा अपना। स्वकीयम मीन्स अपना। बच्चों आप लोग ये मीनिंग्स हैं इनको अगर अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है, तो जो पाठ का जो गीत दिया गया है, कविता दी गई है, उसका हिंदी अनुवाद करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इन मीनिंग्स को समझें, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं इसका उच्चारण करना सीखें, और साथ ही में इसका अर्थ भी जो है उसको आप लर्न करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम इस पार्ट का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे तो आपको बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक किया था स्वकीयम। स्वकीयम का अर्थ होता है अपना। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों पथी। पथी, पथ किसको कहते हैं, रास्ते को कहते हैं, ठीक है ना। तो पथी का अर्थ होगा मार्ग में, रास्ते में भी बोल सकते हैं और मार्ग में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मीनिंग है पाषाणा। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों पाषाणा। ठीक है, तो पाषाणा मीन्स जो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और पाषाणा मीन्स पत्थर, बहुवचन के लिए कि बहुत सारे पत्थर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है विषमा। जो सम, जो समान होता है उसको बोलते हैं सम, और जो असमान होता है उसको बोलते हैं विषम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विषमा। विषमा का मीन्स होगा असामान्य। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों प्रखराहा। प्रखराहा, प्रखरा का अर्थ होता है बच्चों तीक्ष्ण, नुकीले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों हिंसाहा। हिंसाहा, इसका अर्थ हुआ हिंसक। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों परितो। परितो, ब्रैकेट में इसका मूल शब्द है वो लिखा हुआ बच्चों परित है। ठीक है, तो परिता का अर्थ होता है चारों ओर। परिता मीन्स चारों ओर, अराउंड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों गोराहा। गोराहा, गोराहा का अर्थ हुआ बच्चों भयंकर, भयानक। ठीक है, गोराहा का मीन्स क्या हुआ, भयंकर या भयानक। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों सुदुष्करम। सुदुष्करम, सुदुष्करम का अर्थ हुआ बच्चों अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य। दुष्कर का मीन्स मतलब बहुत ही मुश्किल या कठिनता पूर्वक, और सु आगे लग गया उसके, तो इसका अर्थ हो गया कि अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, यानी कि बहुत ही कठिनाई से यदि हम किसी काम को संपादित करते हैं, साध्य करते हैं, तो उसे बोलेंगे सुदुष्करम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मीनिंग है जही ही। जही ही, जही का अर्थ होता है बच्चों छोड़ो, ऑब्लिक लगा के लिखा है छोड़ दो, छोड़ो अथवा छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों भज। भज का अर्थ होता है बच्चों भजो या जपो। भजो और क्या लिखा है, जपो। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों विधेही। विधेही, विधेही का अर्थ होता है बच्चों करो। विधेही का अर्थ होता है करो। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों अनुरक्तिम। अनुरक्तिम, अनु प्लस रक्तिम, इसका संधि विच्छेद होता है बच्चों, और अनुरक्तिम का अर्थ होता है प्रेम या स्नेह है। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों सततम। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों सततम। सततम का अर्थ होता है बच्चों लगातार, रेगुलरली, जो रेगुलरली होता रहता है, निरंतर होता रहता है, लगातार होता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, सततम। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों ध्येय स्मरणम। क्या है नेक्स्ट मीनिंग, ध्येय स्मरणम। अब ध्येय का अर्थ होता है बच्चों जो हमारा उद्देश्य या लक्ष्य होता है, हमारा एम होता है, उसको बोलते हैं ध्येय। और स्मरणम, स्मरणम, स्मरण करना मतलब याद करना। ठीक है, तो ध्येय स्मरणम का अर्थ होगा उद्देश्य का स्मरण,
या उद्देश्य को हमेशा याद रखते रहते हैं ना हम, कि हमारा एम क्या है, उसको हमेशा माइंड में रखते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, ध्येय स्मरणम। ठीक है, तो बच्चों हमने पेज नंबर 21 पर जो सभी हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं चैप्टर के, उन सभी कठिन शब्दों को बच्चों, उनके अर्थों को सीखा, समझा। ठीक है, आप सभी इन सभी मीनिंग्स को लर्न करेंगे और नोटबुक में राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू, जिस तरह से मैं पीडीएफ आपको सेंड करूँगी उसके अकॉर्डिंगली आप इसको राइट करेंगे, अच्छी सुंदर लेखनी में लिखेंगे बच्चों, सभी मीनिंग्स को लर्न करेंगे। और अगली कक्षा में बच्चों हम इस पाठ में जो गीत दिया गया है, जो कविता दी गई है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम इस पाठ का चैप्टर 4 का सदैव पुरतो निधि चरणम जो पाठ है हमारा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगली कक्षा तक के लिए शुभम मंगलम।